रूम नंबर 107, तो देखता हूँ चल के फटाफट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉगर। तो कैसे हो आप लोगों के, आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बहुत मस्त होंगे। सर मैं फिलहाल आ चुका हूँ पटना गांव से, और मैं रास्ता का ब्लॉग नहीं बनाया, बिकॉज रास्ता का तो ब्लॉग आपने देखा ही होगा, बहुत बार मैं बनाया हूँ। तो मुझे ये ब्लूटूथ ठीक करवाना है, बिकॉज ये वारंटी में है। तो गाइस फिलहाल मैं हूँ अभी गोड़ा रोड में, और आप देख सकते हो कुछ सीन गोड़ा रोड का। तो चलिए देखते हैं ऐसा कैसा होता है ब्लॉग, और आपको पटना दिखाऊंगा कि पटना में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। चलिए एंजॉय कीजिए। सो आज मैं पहुंच चुका हूं यहां पे हरिनिवास कॉम्प्लेक्स, और ये है डाक बंगला चौराहा, आप देख सकते हो। तो मैं अभी जा रहा हूं इस हरिनिवास कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो देख लो ये श्री हरिनिवास पथ। फिलहाल यही है हरिनिवास कॉम्प्लेक्स, ये है हरिनिवास कॉम्प्लेक्स का अंदर का सीन। मैं गलत बिल्डिंग में घुसा आया था, मुझे जाना है कौशल्या स्टेट बिल्डिंग में, वहीं पर नॉइस का शोरूम है, सॉरी नॉइस का सर्विस सेंटर है। शोरूम में क्यों जाऊँगा नॉइस का, तो देखता हूँ। फिलहाल कौशल्या स्टेट करके बिल्डिंग है, इधर है यार पास वाले बिल्डिंग में। कौशल्या स्टेट बिल्डिंग इधर है या इधर है, अच्छा ये है। तो गाइस देखो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ कौशल्या स्टेट बिल्डिंग। तो ये पहुँच चुका हूँ नॉइस का सर्विस सेंटर 107। तो गाइस फर्स्ट फ्लोर पे है नॉइस का सर्विस सेंटर, रूम नंबर 107। तो देखता हूँ चल के फटाफट 107। ये रहा नॉइस का सर्विस सेंटर, और चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कहना है भैया। ये काम नहीं कर रहा है नॉइस का, मेरा वारंटी में ऑनलाइन भी किया है यार इसका रजिस्टर। कौन सा नंबर पे? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया है उसके थ्रू काम करेगा ना ये, या नहीं करता है कुछ? सर्विस सेंटर में जामा कीजिएगा कंप्लीट बॉक्स के साथ। हाँ सो गाइस पोपट कट चुका है अपना, ये डब्बा के साथ देना है, 15 दिन के अंदर फिर वापस प्रोडक्ट मिलेगा ये। तो गाइस आ चुका हूँ दुकान से बाहर, यानी कि सर्विस सेंटर से बाहर, और ये लोग ये बोल रहे हैं कि इसके साथ डब्बा देना पड़ेगा, बिना डब्बा के हम नहीं प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं, और डब्बा देने के बाद और विथ प्रोडक्ट 15 दिन बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैं डब्बा कहाँ से लाऊँ? देखो अक्टूबर तक है इसका वारंटी पीरियड, तो बीच में फिर कहीं पटना आना होता है तब मैं दे सकता हूँ, तब तक इसको संभाल के रखना पड़ेगा। और फिलहाल देखता हूँ, मुझे एक माउस पैड लेना है और एक बैट के लिए ग्रिप लेना है, कोशिश करते हैं कि वो मिल जाए। एक माउस पैड लेना है जो यहाँ से मिल सकता है, माउस पैड तो मिल गया अपना, और अभी देख रहा हूँ बैट का ग्रिप मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो भी ठीक है। और फिलहाल अभी यहाँ से जा रहा हूँ, ये देख लो पीछे हरिनिवास कॉम्प्लेक्स था। गाइस यहाँ मस्त मस्त बैट है, देख लो आप। मैं भी आया था ग्रिप लेने गोड़ा रोड के लिए, तो उधर से ऑटो नहीं मिल रहा था, तो मैं जा रहा हूँ अभी तारा मंडल के पास, वहाँ से ऑटो मिलेगा, और पैदल जा रहा हूँ। और धूप देख रहे हो आप, बहुत ही कड़ा धूप किया हुआ है। फास्ट फूड्स यहाँ बिकते रहते हैं रोड के किनारे, तो आई थिंक यहाँ से मिलेगा गोड़ा रोड के लिए ऑटो। जय थे हमारा आज के इस ब्लॉग में, हालांकि ये ब्लॉग मैं संडे को शूट कर रहा हूँ, और अभी इस ब्लॉग को मैं सिर्फ एंड करने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज कल जो जितना मैं दिखा लगा उतना आपको दिखाया। सो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ऐसा करता हूँ पास ब्लॉग अच्छा लगा हो, इंटरटेनिंग लगा हो, मज़ा आया हो ब्लॉग्स देखने में, बिकॉज मैं थोड़ा सोचा गाँव में हूँ, थोड़ा पटना घूमने आता हूँ, बिकॉज हालांकि मुझे काम था ब्लूटूथ का लेकिन वो हो नहीं पाया। चलो फिर भी ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर ना चलो सब्सक्राइब कर देना, और मिलता है किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।